मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का हुआ शुभारंभ। बता दें, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड अंतर्गत विशेष पिछड़ी बैगा आदिवासी जनजाति के 0 से 6 वर्ष के बैगा आदिवासी के कुपोषित छोटे बच्चों को सुपोषण आहार अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति बाहुल्य के ऐसे टोला पाया जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है या ऐसे आदिवासी बेगांव के बच्चे दूर दुर्गम रास्तों की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें टोलापारा में ही गरम पका हुआ सुपोषण आहार की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर कबीरधाम स्वयं अपने हाथों से आदिवासी बेगा बच्चों को भोजन वितरण किए। कलेक्टर जन्मेजय मोहेबे ने बताया कि इस अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार, रेडी टू ईट और गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं जिन्हें खून की कमी से बचाव के लिए सुपोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। कलेक्टर कवर्धा ने यह भी कहा कि 7 भवन विहीन आंगनबाड़ी ग्राम एवं 56 जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जन्मेजय मोहबे ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ऐसे सुदूर वनांचल के आदिवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, उन्होंने संबंधित विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों के द्वारा कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। ये प्रक्रिया, इसकी मॉनिटरिंग लगातार हमारी जारी है। सर, वनांचल में कुछ भवन विहीन है, वनांचल क्षेत्र के जो बिल्डिंग नहीं है, जितने भी भवन विहीन है जिले में, वो तो सबका चिन्ह किया गया और अभी कुछ सेंक्शन दिया गया है और लगातार इसमें कार्य चल रहा है और बाकी भी जितने भी भवन है उसको किया जाएगा। ये विशेष रूप से उन जगहों के लिए है जो अभी जो स्कीम जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर पारा मोहल्ला टोला है वो काफ़ी दूर है, दूरस्थ क्षेत्र में है, ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और जिनको आंगन दूरी होने के कारण जाने में कठिनाई होती थी, क्योंकि यहाँ का स्कैटर्ड बस्ती है तो यहाँ आवश्यक था। लगभग 60 से 63 ऐसे पारा मोहल्ला टोला है जहाँ पर ये चालू किया गया और ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत ये संचालित है। कवर्धा से पीडी मणिकपुरी, सी डिविजन टीवी।